Well, hello friends, and welcome to another episode of Bollywood This Week, a race 3 in 3D and 2D. मैंने आज दिन पूरा यू नो के मैटर क्लियर कर दिया कि किस तरह से 3D में रिलीज होने के बाद रेस 3 के जो कलेक्शन है उसे ऑटोमेटिकली बूस्ट मिलेंगे. अगर आपने एपिसोड नहीं देखा तो जरूर जाके देख लीजिएगा कि किस तरह से रेट जो रहेंगे 3D टिकट्स के वो ज्यादा रहेंगे, जिसके कारण वर्ष अगर एक फिल्म 100 रुपये कमाती है तो 3D की वजह से उस फिल्म को 140 रुपये की टिकट रखनी पड़ती है. यानी कि फ्लैट अगर 10 रुपये का चश्मा भी ले लो तो 30 रुपये का मुनाफा होगा एक टिकट पे. लेकिन क्या ये 100% स्क्रीन्स पे पॉसिबल है? वेल, इसका जवाब है नहीं. तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आपको बताने वाला हूं किस तरह से 3D और 2D के डिविजन्स होंगे इन द थिएटर्स. वेल फ्रेंड्स, अगर बात करें पूरे थिएटर्स की इंडिया में तो बहुत सारे थिएटर्स है. आपको पता होगा एवेंजर्स अभी रिलीज हुई थी, उसका स्क्रीन काउंट बहुत कम था क्योंकि इंडिया में जो क्यूब थिएटर्स है, यस फ्रेंड्स, क्यूब थिएटर्स, UFO थिएटर्स है, उसमें 3D का जो फैसिलिटीज है वो बहुत कम है. अगर मैं बात करूं यू नो 4K स्क्रीन्स की या फिर जो स्क्रीन्स है जो 3D के लिए वेल इक्विप्ड है, तो उसमें तीन बड़े मेजर प्लेयर्स के नाम आते हैं. नंबर 1 इज PVR, नंबर 2 इज आईनॉक्स, नंबर 3 इज सिनेपोलिस. इन तीनों को अगर छोड़ दूं मैं तो कुछ चुनिंदा शहरों में बहुत कम थिएटर्स है जो ऐसी फैसिलिटीज के लिए इक्विप्ड है, स्पेशली फॉर 3D. तो इसीलिए जो 3D रिलीज होगी रेस 3 की, वो एक बहुत बड़े स्केल पे नहीं होगी. द रेशियो ऑफ 3D टू 2D रिलीज ऑफ रेस 3 अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटर्स विल बी 30-70%. यानी कि पूरे इंडिया में 30% जो स्क्रीन रहेंगे वहां पे फिल्म 3D में लगेगी, बाकी 70% यू नो थिएटर्स में ये फिल्म 2D में लगने वाली. अब सलमान खान इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है. खबरें ये भी आ रही है, खबरें क्या आ रही है, कोलकाता रीजन, बिहार और पूरा जो रीजन है वहां पे नॉर्थ ईस्ट साइड का, वहां पर सलमान खान ने ऑलरेडी ये फिल्में छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचना शुरू कर दिया है, जो कि इस टीम की स्ट्रेटेजी थी. तो गाइज, अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि रेस 3 ईद में 3D 2D में आएगी. लेकिन जो 3D स्क्रीन रहेंगे वो हाई एंड थिएटर्स में रहेंगे, यानी कि शहरों में रहेंगे. और अगर जो रूरल एरियाज है जिसको हम BNC सेंटर्स बोलते हैं, वहां पर भी ये फिल्म अगर सिंगल स्क्रीन में लगती है तब वहां पे आपके थिएटर्स इक्विप्ड होने चाहिए. आजकल क्यूब और UFO में भी कुछ कुछ थिएटर्स आए हैं जो 3D के लिए इक्विप्ड है, जो कि यू नो छोटे चश्मे बनाते हैं 3D में देखने के लिए फिल्म. तो आप लोग ट्राई कीजिए, पता कीजिए अपने नजदीकी सिनेमा घरों में, अभी नहीं बहुत टाइम है अभी, लेकिन पता कीजिए कि अगर आपके शहर में 3D थिएटर्स है, यानी क्यूब VFX वहां पर दिखाया जाता है थिएटर, तो जरूर जाके 3D में देखिए, वरना ये फिल्म 2D में भी मजेदार रहेगी. लेकिन जो 3D का मजा रहेगा वो कुछ अलग ही रहेगा, क्योंकि जो क्लाइमैक्स है स्पेशली वो 3D को दिमाग में रख के शूटिंग किए गए है. ओके, सो स्टूडियो खबर से हमारे चैनल पे. आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करे. एपिसोड पसंद आए तो क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. मियां साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू वेरी सून. टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे कूल मैन.